जो एंट्रेंस है उसको पहले नंबर पे रखा गया है, और क्यों ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। इमेजिन करो आपका घर है, आपका भवन है, आप इमेजिन करो अपने घर की दहली जो आपके घर का मेन डोर है, एक बार आंख बंद करके अपने आप को अपने घर की दहलीज के 2 कदम बाहर खड़ा करो, और जो फीलिंग आ रही है उसको नोट करके अब अपने आप को अपने घर की दहलीज के 2 कदम अंदर खड़ा करो, तो आपको एक डिफरेंस फील होगा। जो फीलिंग है ना, एक डिफरेंस फील होगा। तो पर मतलब क्या है, आपका जो घर है, आपका जो घर है, आपके पूरे घर को ब्रह्मांड से जो चीज कनेक्ट करती है वो है आपकी एंट्रेंस। आप अपनी एंट्रेंस से पूरे ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट होते हो, इसलिए एंट्रेंस को फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है। ठीक है, एक और चीज आपको बताओ एंट्रेंस के बारे में। वास्तु शास्त्र में कहीं बोल्ड अक्षरों में लिख लेना, बहुत काम आएगा ये चीज। वास्तु शास्त्र में एंट्रेंस जो होती है, किसी भी बिल्डिंग की एंट्रेंस जो होती है, 80% रोल प्ले करती है कि उस भवन का वास्तु रेजिडेंट्स को कैसे इफेक्ट देगा। 80% सिर्फ एंट्रेंस रिस्पॉन्सिबल होती है वास्तु शास्त्र में, बाकी सारी चीजें मात्र 20% है, मात्र 20%। एंट्रेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मतलब क्या है, अगर आपकी एंट्रेंस पॉजिटिव है, अगर आपकी एंट्रेंस पैसे वाली है, आपकी एंट्रेंस पॉजिटिव है और आपके घर के अंदर का जो वास्तु है वो पूरा उथल पुथल है, पूरा बेकार है, तो आपको जीवन में 80% प्रॉफिट होगा, 20% नुकसान होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपकी वास्तु में आपकी एंट्रेंस नुकसान वाली है तो आप अपने घर के अंदर का वास्तु कितना मर्जी बैलेंस कर लो, आपको जीवन में वो गेन्स नहीं होंगे जो आप एक्सपेक्ट करते हैं लाइफ से या आप चाहते हैं। तो इसलिए एंट्रेंस को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है वास्तु शास्त्र में, और फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है वास्तु शास्त्र में, और एंट्रेंस को बैलेंस करना भी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। आप एंट्रेंस को बैलेंस कर दो, जैसे ही आप एंट्रेंस को बैलेंस करते हो आपका 80% काम खत्म हो गया, व्यक्ति को काफी सारे रिजल्ट मिल जाएंगे जैसे ही आप उसकी एंट्रेंस बैलेंस करते हो। एंट्रेंस के बाद 16 दिशाएं आती हैं, उसके बाद 5 तत्व आते हैं, फिर ये सारी चीजें होने के बाद हम रेमेडीज को अप्लाई करते हैं, और फिर बाद में हम करते हैं एस्ट्रो वास्तु, और वो तो पूरा टॉपिक ही एक डिफरेंट लेवल का टॉपिक है। ये आपकी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है इसको हम वास्तु चक्र बोलते हैं। इस वास्तु चक्र में आपको पूरा वास्तु शास्त्र दिख जाएगा। ठीक है, अब ये वास्तु चक्र आपको क्या क्या चीजें दिखा रहा है। सबसे पहले जो ये ऊपर वाले सर्कल्स है, ये वाले जो ये वाले है, मैं पेन से मार्क करके दिखाता हूं। सबसे पहले ये वाले जो ये ऊपर वाला सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, इस ऊपर वाले सर्कल में आपको 16 दिशाएं दिखेंगी, और अंदर वाले सर्कल में आपको 32 एंट्रेंस दिखाई देंगी, जो आपको नॉर्थ, एनएनई, एनई, ईएनई, ईस्ट, जो ये सब दिख रहा है इनको दिशाएं बोलते हैं, डायरेक्शंस बोलते हैं। जो अंदर वाले सर्कल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, N1, N2, E1, E2, ये होती है एंट्रेंसेस। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जो आपको एक स्पेस का जो शेप होता है वो सर्कल है, और एक सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो 360 डिग्री है, ना उससे ऊपर हो सकता है ना उससे नीचे हो सकता है। तो अगर आप 360 को अगर आप 16 से डिवाइड करते हो तो जाहिर सी बात है आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 22.5। तो 22.5 डिग्री की एक डायरेक्शन मानी जाती है वास्तु शास्त्र में, और अगर आप यही 360 को
32 से डिवाइड करते हो तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 11.25। तो 11.25 डिग्री की एक एंट्रेंस देखी जाती है वास्तु शास्त्र में। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा, अगर आप नॉर्थ की तरफ ध्यान से देखो, अगर आप अपना ध्यान नॉर्थ की तरफ लेके जाओ तो आपको दिखेगा कि नॉर्थ में आपको दो एंट्रेंसेस मिल रही है, N4 N5। दिखाई दे रहा है सबको N4 N5 चक्र में? नीचे जाके देखोगे अगर, तो नॉर्थ में आपको आधा N4 दिखाई दे रहा है, आधा N5 दिखाई दे रहा है। मतलब एक डायरेक्शन जो है 22.5 डिग्री की, उसमें दो एंट्रेंसेस फॉल करती हैं 11.25 डिग्री की। 11.25 डिग्री प्लस 11.25 डिग्री, दो एंट्रेंसेस मिला के एक दिशा बनती है। लेकिन हमें दोनों को मिक्स नहीं करना। मिक्स नहीं करना का क्या मतलब है? जब हम एंट्रेंस की बात करेंगे तो हम एंट्रेंस की बात करेंगे, जब हम जोन्स की बात करेंगे तब हम जोन्स की बात करेंगे, जब हम एलिमेंट्स की बात करेंगे तब हम एलिमेंट्स की करेंगे। हर चीज डिफरेंट है, मतलब कोई भी चीज एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। सब कुछ साइमल्टेनियसली देखना है, साइमल्टेनियसली बैलेंस करना है डिफरेंटली। ठीक है, तो ये है आपका वास्तु चक्र। वास्तु चक्र के बाद एक ये सैंपल इमेज है लेआउट प्लान की, मतलब किस तरीके का लेआउट प्लान होता है जिसके ऊपर हम काम करते हैं। कभी भी कच्चे नक्शे के ऊपर किसी भी सूरत में हमें काम नहीं करना होता, हम सिर्फ और सिर्फ पक्के नक्शों के ऊपर काम करते हैं। स्केल्ड लेआउट प्लान बोलते हैं उसको, और आर्किटेक्ट या ड्राफ्टमैन की मदद से आप वो लेआउट प्लान ले सकते हैं। नहीं तो जब आप प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करते हैं तो आपके प्रॉपर्टी पेपर्स में भी वो लेआउट प्लान्स आपको मिल जाएंगे। लेआउट प्लान का मतलब क्या होता है, स्केल्ड लेआउट प्लान का मतलब क्या होता है? कोई भी नक्शा जो घर की प्रॉपर मेजरमेंट्स लेके, प्रॉपर मेजरमेंट्स लेके बनाया गया हो। क्योंकि अगर आप एक स्केल्ड लेआउट प्लान पर काम नहीं करोगे, अगर आप एक कच्चे नक्शे पर काम करोगे, तो अभी आपने देखा 11.25 डिग्री की एक एंट्रेंस होती है, 11.25 डिग्री। ठीक है, एक उदाहरण के तौर पे अगर मान लीजिए आपने कच्चे नक्शों पे काम किया तो होगा क्या, यहां पे साउथ में आपको दो एंट्रेंस दिखाई दे रही है। साउथ में एक एंट्रेंस S4 की दिखाई दे रही है, एक एंट्रेंस आपको S5 की दिखाई दे रही है। ठीक है, मान लीजिए आपने कच्चे नक्शे पे काम किया, कच्चे नक्शे पे दिशाएं मार्क करी, और आपने देखा कि जिस व्यक्ति के लिए आप काम कर रहे हो या अपने घर पे भी अगर आप चेक कर रहे हो, तो आपने देखा जो एंट्रेंस आपको दिखाई दे रही है वो S4 की है। S4 की एंट्रेंस बहुत पैसा देती है, S5 की एंट्रेंस आपके पास जितना पैसा है वो सारा ले लेती है, मतलब कर देती है एंट्रेंस से। ठीक है, लॉसेस, कर्जा, लोन्स, ये सभी चीजें S5 की है। तो आप क्या करोगे, कच्चे नक्शे पर काम करा और आपको लगा कि मेरी एंट्रेंस S4 की है, तो आप क्या करोगे, आप उसको बैलेंस नहीं करोगे, आप उसको ट्रीट नहीं करोगे, आप उसको छोड़ दोगे, और होगा क्या, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो। ठीक है, इसलिए कच्चे नक्शे पे कभी भी किसी भी सूरत में हमें वास्तु में काम नहीं करना। नमस्कार, मजा आ रहा होगा आपको फ्री ऑनलाइन वास्तु कोर्स करके। और अगर आप इस कोर्स को और ज्यादा डिटेल में सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, एक प्रोफेशनल वास्तु एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो आप हमारा आने वाला जो एडवांस वास्तु कोर्स है उसके अंदर अपनी सीट बुक कर सकते हैं और सीख सकते हैं प्रॉपर वास्तुशास्त्र, और बन सकते हैं एक एडवांस एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट। जो एस्ट्रो वास्तु का टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस टॉपिक है, जिसको हम एडवांस कोर्स में कवर करते हैं। और उसी के साथ साथ देवताज के डिस्क्रिप्शंस, जन्मपत्री के हिसाब से घर को डिज़ाइन कैसे करना है, फैक्ट्रीज पे काम कैसे करना है, ऑफिसेज में काम कैसे करना है, क्लाइंट से उपाय क्या कराने हैं। कई बार क्या होता है, वास्तु तो कर देते हो लेकिन क्लाइंट की हॉरोस्कोप में, क्लाइंट की पत्रियों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिनके उपाय कराने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो क्लाइंट से क्या डोनेशन करानी है, क्या रेमिडीज करानी है, क्या जेमस्टोन पहनाना है, कौन सी दिशा में बैठाना है, वो सब चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी एडवांस कोर्स में। और उसी के साथ साथ पेंडुलम डाउजिंग और वर्चुअल प्लांटेशन ऑफ रेमिडीज का जो टॉपिक है, जो मेरे अलावा इस संसार में कोई प्रैक्टिस ही नहीं करता, वो भी आपको एडवांस कोर्स में सीखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है,
उस पर क्लिक कीजिए, कोर्स की सारी जानकारी, डेट्स, टाइम और जो भी कोर्स कंटेंट एडवांस कोर्स का सब उसमें अवेलेबल है। देखिए, अपनी सीट जल्द से जल्द बुक कीजिए ताकि हम आपको अपने फेसबुक ग्रुप में ऐड करके प्री प्रिपरेशन आपकी शुरू कर सकें। धन्यवाद।